न्यूज़पेपर ऐसे ही ओपन हुआ, क्या क्या लग रहा है, कितनी सारी न्यूज़ है न्यूज़पेपर में और कितना न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है ऐसे अभी लग रहा है, और इजीली फ्रीली अवेलेबल हो रहा है, इसके लिए आपको पैसे भी नहीं देने है, तो और अमेजिंग ये न्यूज़पेपर है ना, आपको एक दिन में क्लास की फीस निकाल के दे सकता है, इतनी पावर है इस न्यूज़पेपर में। हमने कल तक 3 कॉलम देखे, आज हम लोग और 2 कॉलम ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत सिंपल है, प्ली फॉर दे, अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इक्विटी भूल जाते हैं, आईपीओ भूल जाते हैं, म्यूचुअल फंड भूल जाते हैं। आज हमने जो सीखा है, आज सुबह का न्यूज़पेपर अभी आप लोगों के हाथ में है, 8:41 हो चुका है। आज का जो ट्रेड होगा ये हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे, ऑन पेपर आपको ये ट्रेड करना है। तो जब आप ऑन पेपर ये ट्रेड करना चाहोगे तो यस डेफिनेटली अभी वो 2 कॉलम आपके सामने है जो हमारे सामने अभी यहाँ पे अवेलेबल है। 12 नंबर के पेज पे आप लोग आ गए हो, देख लिया आपने 12 नंबर के। ये जो न्यूज पेपर आपको मनी कंट्रोल पे भी नहीं मिलेगा, ये न्यूज चैनल पे भी नहीं मिलेगा, ये पर्टिकुलर जो 2 कॉलम है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी न्यूज पेपर में मिलेंगे। ये सबसे खासियत है इस न्यूज पेपर की। तो हमें जो स्टडी करना है, हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, वो हमारा न्यूज़पेपर का फॉर्मूला न्यूज़पेपर से ही होगा। आप बोलोगे कि मैं इधर उधर से कलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे नहीं चलेगा, ये न्यूज़पेपर का ही फॉर्मूला। हमने डे इंट्राडे ट्रेड, हमने रैट स्ट्रेटेजी सीखी, हमने ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी सीखी, हमने टाइम स्ट्रेटेजी सीखी और न्यूज़पेपर फॉर्मूलेज लिए है। अब तक मेरा एक सवाल है कि कौन सा सेगमेंट आप लोगों को ज्यादा पसंद आया। कल तक हमने म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे और इंट्राडे लिया है, कल हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लेंगे। ये सारे फॉर्मूलेस, रैट स्ट्रेटेजी, इवन टाइम स्ट्रेटेजी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हो। तो कौन सा सेगमेंट अब तक ऐसे लगा है आप लोगों को कि बहुत अच्छे से कर सकते हो। यस दिगेश सर, डे इंट्राडे, शॉर्ट सेल, रेट स्ट्रेटजी, हम कॉम्बिनेशन भी कर सकते अच्छी तरह से। मैं ओके, विक्रम सर, इंट्राडे, डे इंट्राडे। और आईपीओ भी अच्छा है, लेकिन मैम उसमें इनमें यानी पैसा लगा ही रहता है, इसमें कैसा पैसा रिन्यू होता रहता है, ओके फाइन। आते जाते रहते। अरविंद टाइम स्ट्रेटजी एंड रेट स्ट्रेटजी हाँ, बट कौन से सेगमेंट में आप काम करना ज्यादा पसंद करोगे? वही डे ट्रेडिंग में ही। हाँ डे ट्रेडिंग, मतलब सबके सब सट्टेबाज है यहाँ पे, नहीं, कोई इन्वेस्टर बनना नहीं चाहता है। ओके अभी इसमें मेरा मेरा फॉर्मूला क्या है मैडम, अगर सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, उसमें से 50 रुपये में 5 साल के ऊपर के लिए लगा के छोड़ दूंगा, 25 रुपया जो है वो मैं 1 साल से 2 साल के बीच के लिए छोड़ूंगा, और जो बाकी मेरा 25 रुपये बचा है वो मैं ऐसे डे इंट्राडे या फिर 10-15 दिन के लिए, मंथ के लिए छोड़ूंगा। ये मेरा फॉर्मूला है, मैं इस तरीके से ट्रेड करना चाहूंगा। ग्रेट। अब कल मैं जब फ्यूचर ऑप्शन सिखाऊंगी तो आपके स्टेटमेंट चेंज नहीं होने चाहिए तीनों के। नहीं, इसमें भी वही ना, वो जो 25 रुपया जो बचा है वही फ्यूचर ऑप्शन में डालूंगा, बाकी के तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना जरूरी है। अच्छा, कल के दिन में अगर लाइव लेना है या अच्छा कल क्या है, कल फ्राइडे है ना, हाँ कल फ्यूचर ऑप्शंस हम लोग सुबह ले लेते हैं, 0 लॉस स्ट्रेटेजी हम लोग कल सुबह ले लेंगे, फिर मंडे से हम लोग लाइव प्रैक्टिकल्स लेते हैं, क्योंकि कल फिर लाइव प्रैक्टिकल्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मंडे से हम लोग लाइव प्रैक्टिकल्स लेते हैं, क्योंकि लाइव प्रैक्टिकल्स के लिए 9:15 बजे के बाद में हमें शुरू करना पड़ेगा, फ्यूचर ऑप्शन हम लोग कल कर लेते हैं। आई होप गाइज आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया है। यस 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 क्वेश्चन था, सर, जैसे आपने अभी जो आप कॉलम्स बताए थे, सबसे ज्यादा जो है